बॉलीवुड में डाकुओं के ऊपर बनाई गई फिल्मों पर पूर्व दस्यु मलखान सिंह ने कहा कि उसमें सही चीजें नहीं दिखाई गई हैं। उन्होंने कहा कि वह डाकू नहीं बागी थे, उस समय की परिस्थिति और न्याय नहीं मिलने के कारण बागी बने थे। कभी चंबल के बिहेड़ों में अपनी हुकूमत चलाने वाले पूर्व दस्यु सरदार मलखान सिंह बुधवार को रमन रेती क्षेत्र स्थित एक होटल में ठहरे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा महाराजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित फिल्म पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि अक्षय कुमार फिल्म बनाने से पहले उनसे मिले और फिल्म में महाराजा पृथ्वी चौहान के सामंत खेत सिंह को भी समाहित करें। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित फिल्म बना रहे अभिनेता अक्षय कुमार को उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी फिल्म में इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो वह कोर्ट की शरण लेंगे। उन्होंने न्यायालय पर पूर्ण रूप से विश्वास है। सही, आप तो 50 इंटरव्यू कराते हैं तो आपको तो सोचना चाहिए क्या लिखना चाहिए। चलो ठीक है, सामने देखिएगा, नीचे निगाह मत करिए, नीचे निगाह मत करिए, सामने देखिए। आपकी मूछों की तो तारीफ है चारों तरफ। तो एक अलग बात है, फिल्म का मैटर अलग है। वो मेरी पसंदी की फिल्म नहीं बनी। यो जो लोग मान सिंह से, लाखन सिंह से लगाए के, शोले गब्बर से लगाए के जो बनी है, इनके मरने के बाद फिल्म बनी है। मरने के बाद की फिल्म और जीवित बयान देने की फिल्म में कितना फर्क है। यो लोग हैं नहीं तो वो अपनी कहानी तो नहीं बता पाए। आप ही बताओ, बता पाएगा कोई? अब मैं अपनी जीवित कहानी बता रहे हैं कि वह चंबल पे इतने दिन रहे, इस तरह के मंदिर बने हैं, यहाँ बहन बेटियों के साथ में कोई अत्याचार नहीं हो पाया मेरे रहते हुए, कन्याओं की शादी में जो कुछ बना वो दी मदद, कोई कौम की महिला लड़की हुए तो ये बचाओ। तो ये सारी चीज़ों को मतलब जनता से भी पूछो, हमसे मत पूछो कि क्षेत्र में रहे हैं तो किस तरह के रहे, वो आपको रिपोर्ट देगी, वो लिखे आप। तो इस तरह के फिल्म वाले तो आप जानते हो, घोड़े बता देते। अब घोड़ा तो कुछ उसमें चलता है कहीं? कितनी टापे बोलती फिल्म में, फट फट फट, साला एक भी घोड़ा। एक बात है, घोड़ा कहाँ से चलेगा? 500 फीट की ऊंचाई गहराई घोड़ा कैसे चढ़ जाएगा? आप ही बताओ, हम कैसे मुसीबत में चढ़ते हैं उतरते हैं। और ठीक है, हमने अगर पहरा लगा लिया, अपना पहरा हमको बना, पहरेदार हमारा रहेगा पुलिस के बचाव के लिए। अब घोड़ा कहाँ दुकाएंगे हम उसको, आप बताइए। और फिर दूसरी बात, घोड़ा पे हम सवार होंगे तो कितनी ऊंचाई हो जाएगी, तो गोली नहीं लगेगी मुठभेड़ में, ये गलत। ईंधन सारी चीज़ें खारिज होती रही। जब दनादन पे बात आई तो फिर मैंने कहा ये आवेदन खारिज हो गया, निवेदन भी खारिज हो गया, अगर दनादन खारिज नहीं हो रहा था, फिर दनादन होने लगी, सब सुनारी होने लगी। मलखान सिंह बहुत अच्छा आदमी था, बढ़िया था, ये गलत हुआ, क्यों भेज दिया, क्यों बागी बना दिया। तब मैंने देखा कि मैंने कहा इसमें भी दम है। कौन सी सन में हुआ था? 69-72 के थे। चिल्लाते रहो खूब, क्या होगा चिल्लाने से, पूरा देश चिल्ला रहा है। बहन बेटी के साथ में बलात्कार हो रहे, कहीं हो रहा, चिल्लाते रहो। एक और प्रक्रिया चला दी, मुआवजा देना, बलात्कार हो गया तो मुआवजा दे दो। मुआवजा तो जमीन फसल के ऊपर दिया जाता है, बलात्कार पे कोई मुआवजा दिया जाता है? अगर किसी मंत्री किसी बड़े आदमी के बच्ची के साथ में अगर कुछ हो जाए, वो चौराहे पे मरवा देगा, माजवा नहीं लेगा, लेगा लिया किसी ने? गरीब लोगों के लिए मुआवजा है, अगले बताइए। अगर किसी सोर्स वाले के लिए उसकी बच्ची को साथ छेड़ के देखो, अगर चौराहे पे मरवा देगा। आज आप यहाँ आए हैं बांके बिहारी की नगरी में, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, भगवान के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। मंदिरों में गए, साधु संतों से भी मिले, और संत हमारे साथ में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आप आइए वृंदावन, तो मैंने कहा चलो
इतने इतने साल बीहड़ में गुजारे, ऐसा कैसे रहा कि आपको बीहड़ तक पहुंचना पड़ा? और वो मैं बताते तो उतना आप छापते कहाँ, आप तो अपनी मर्जी से छापते, सबसे बड़ी बीमारी तुझे है, इसलिए मैंने बताना बंद इसलिए कर दिया कि ये कोर्ट तक पहुंचना पड़ता हमको मजबूरी में आपके खिलाफ। भाई ऐसा है, 1982 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी, उनके समक्ष समर्पण हुआ। अब मीडिया बार का भी था, लखनऊ कानपुर का भी था, हर जगह का था, उसमें ईपीएमपी राजस्थान जब समर्पण होता है, ईपी की पुलिस पहुंची थी वहाँ, इटावा एसपी राजस्थान के भी पहुंचे थे उसमें समर्पण में, तो उसमें लिस्ट मीडिया भी था, पत्रकार थे, मीडिया को पूरा लिस्ट जो लेना चाहिए कि वाकई में ईपी के कितने केस हैं और किन किन हालतों में केस हैं, सही है या गलत है। क्यों, पुलिस का तो आपको पता है कि रात के कोई ले दे नाम मलखान सिंह की जय हो और उसमें मेरे नाम पे एफआईआर दर्ज कर दे, केस कोई करता है, उसे बारीकी से नहीं देखते वो, तो एक तो लिस्ट नहीं लेते। अब इसके बाद जब समर्पण भी हो गया, छूट गए 89 में, फिर भी आप लोग कहीं दो से कत्ल लिख देते, दो से डकैती लिख देते, बड़ी विटंबना है। इसलिए मैंने बहुत कम कर दिया है बयान देना, कि अब बयान देने से क्या फ़ायदा, बेड़ की मुसीबत वो सहन कर ली, जेल का जो रहा मतलब शासन का जो वायदा वो भी ख़त्म हो गया, अब आराम से अपने सारा जीवन काटने की बात रह गई। ठीक है, तो वो जो चीज़ लिखना चाहिए जो हकीकत है, अब हकीकत कुछ है नहीं और आप लिख देते तो अच्छा नहीं लगता। तो क्या जिस तरह से नहीं नहीं उससे मेरा मतलब यह है, मैं उसमें आपके लिए वो नहीं कर रहे, जब वो एक जज बैठता है वहाँ समर्पण में और उसी वक्त केस की केस पटअप होता है, 10, 5, 20 केस जो होंगे तो उसकी एंट्री हो जाती, इसके बाद फिर केस कहाँ से आए, 100 केस कहाँ से आए गए, जब जेल में जो आदमी पहुँच जाता फिर केस कहाँ से आए, फिर आप लोग जब कैसे छाप देते बिना पूछे बिना मतलब के, तो वो जो कहने का मेरा मतलब है, ये झूठी खबर छापने से और झूठी फिल्म बनाने से देश का भला नहीं होता। था कि मेरी राम जानकी की जमीन 100 बीघा थी, उसमें बाहुबली में आपने नहीं देखा होगा ढंग से जो पूरा मैटर आया उसमें, वो सच्चाई के मैटर है, और उस वक्त मैं 18 साल की उम्र में हम ग्राम पंचायत के पंच चुने गए, वो हमने एक ही प्रश्न डाला था गांव में एक सोर्स वाले लोगों से कि ये 100 बीघा जमीन जो राम जानकी की है ये आपकी नहीं है ना मेरी नहीं है, ये भगवान की जमीन है, आप ताला पड़ा है इसमें ताला खुलवाएं, आप पावर में हैं और इस जमीन की मतलब राम जानकी के नाम से जमीन वापस हो और इसकी सुचारू ढंग से पूजा हो, संत महात्मा रहने लगे, यहाँ प्राचीन जगह है, 100 बीघा जमीन कोई मायना रखती है, पानी वाली जमीन, माँ 50 गाय रह सकती है, इतनी बड़ी पैदा होता उसमें, अकेले नहीं, वो जब सोर्स वाले लोग थे तो उनने नहीं मेरी बात को गौर नहीं किया, जब मैंने इतना ही मेरा दोस्त ज़्यादा तो नहीं था, और कोई लड़ाई नहीं है यहाँ से शुरुआत होती है, इसके अलावा तमाम झूठे मुकदमे लगाना, केस लगाना, क्योंकि उनके परिवार में एक गृहमंत्री थे भिंड के, उनके वो भतीजे थे, झूठे मुकदमे एसपी कलेक्टर दुनिया के केस लगाते रहे। अब मैं तो छोटे किसान के बेटे, मेरे पास न तो धन है न राजनीति है, दमंगी तो है, कट्टरपन तो था, अगले दो चीज़ें नहीं थी, अगले नियम पालन करना और चरित्र को कमजोर मजबूत करना,
ये मजबूत था। लड़ने की हिम्मत दो ही चीज़ में होती है, धन अटैची में पड़ा रहता है, अगर चरित्र मजबूत नहीं है तो लड़ नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, धन तो बाद में बात है, धन वाले तमाम बक्सा भरे रहते हैं और चौराहे पर उड़ा दिए जाते हैं अन्याय जो करता है। इतना ही मेरा दोस्त था, ज़्यादा नहीं था। इतने केस लगाना, इतने झूठे मुकदमा, फिर लास्ट में जब नहीं केस से भी बचते रहे, लड़ते रहे, इसके बाद गोलियां चलाना शुरू कर दिया। तो एक साथी मेरा था, वो भी मारा गया, जो हम दो विरोधी थे पंच में। अब मैं अकेले बचे, अकेले बचने के बाद फायरिंग हम पे हुई, तो गोली न लगने से इधर इधर ये कुर्ते में फूट के लगी। और हमने आवेदन दिया थानेदार से, कहा हमने कि ये करी, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं। फिर मैंने एसपी साहब से कहा, हमने देखिए साहब ये मेरी इनकारी नहीं हो रही, इतना नहीं होना चाहिए। एक सीओ साहब बहुत अच्छे ईमानदार थे, उन्होंने कहे हम चलते। थानेदार को चढ़ाया माँ, और उन्होंने अपने हाथ से राइफल ली, उन्होंने कहा बोल कहाँ गोली दें, ये गोली नहीं लग सकते इसके, साले तूने इनकार ही नहीं कर रहा, इसको बागी बनाना चाहता। फिर एक बहुत बड़े थाना प्रभारी आए बाद में, उसने डीआईजी को लिखा कि मैंने पूरी इनक्वायरी कर ली, मलखान सिंह का इस गांव में कोई दोष नहीं है, मंदिर की बीमारी थी, उसका कोई केस नहीं है, कोई डकैती का ना चोरी का कुछ नहीं, ये उसको गाय से सांड बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ लिखा, जब गाय से जब सांड बन जाएगा तो छोटा चलेगा या बिना नाथ का हो जाएगा। आईजी को रिपोर्ट दी, आईजी ने उसको सस्पेंड कर दिया। तो तुमने ये फेवर क्यों किया, उन्होंने कहा साफ कर दो आप बाल हो जाएंगे, कि मैंने इनक्वायरी की है कि उसको गाय से सांड बनाना, मैंने कहा सही, इतना ईमानदार आदमी था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।